बंदूक लेके आएगा तो मेरे को बुला लीजिएगा, पहला गोली मैं खाऊंगा, दूसरा आपको लगेगा। एक राय होइएगा तब, नहीं तो मैं लाठी डंडा खाए दिया। ये है स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, जो ग्रामीणों की खातिर गोली खाने की बात कह रहे हैं। माजरा है सहदेव आरण के जंगल को काटने से बचाने का, जिसका क्षेत्र के कई गांवों के ग्रामीण लंबे समय से विरोध कर रहे हैं, और ये विरोध की आग छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश के कई कोने तक फैल चुकी है, और सामाजिक संगठन के साथ साथ आम नागरिक भी सहदेव के जंगल को कटने का विरोध कर रहा है। विपक्षी दल भाजपा ने भी सरकार पर आरोप लगा चुकी है, जिसके बाद आज सूबे के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ग्राम बासेन और घाट बर्रा के जंगल होते हुए हरिपुर पहुंचे और ग्रामीणों से मुलाकात की। इस दौरान सिंहदेव ने वन विभाग द्वारा काटे गए पेड़ों का निरीक्षण किया। हालांकि इस दौरान ग्रामीणों में सरकार के प्रतिनिधि के प्रति काफी आक्रोश भी देखने को मिला। सिंहदेव ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया है कि यदि ग्रामीण एक साथ हैं तो सिंहदेव उनके साथ खड़े हैं और बंदूक लेकर आने वाले लोगों की पहली गोली भी खाने को तैयार हैं। वहीं मीडिया के सवालों के जवाब में सिंहदेव ने बताया कि कंपनी द्वारा कोल खनन के लिए जो मापदंड तय किए गए हैं वो यहां पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। कोल खनन के लिए पहले से ही जो गड्ढे खोदे गए हैं वो गड्ढे अब तक भरे नहीं जा सके हैं। वहीं पेड़ लगाने की जो बात हुई थी वो धरातल पर नजर नहीं आ रही है। ग्रामीणों के बीच में जो आक्रोश देखने को मिल रहा है, उस आक्रोश को राहुल गांधी तक पहुंचाऊंगा, वो धरातल पर नजर नहीं आ रहा है। ग्रामीणों के बीच में जो आक्रोश देखने को मिल रहा है, उस आक्रोश को राहुल गांधी तक पहुंचाऊंगा। दूसरे गांव के लोग भी आ जाते हैं और ग्राम सभा में सहमत सम्मिलित होकर हाँ हाँ करते हैं। मैंने इस चीज़ को अभी बासेन में भी देखा, जहां हेलीकॉप्टर उतरा तो जो प्रभावित गांव हैं उसके अतिरिक्त भी बहुत लोग आए। खदान के शर्तों में एक प्रावधान ये भी है कि कोयला निकलने के बाद शेष जो क्षेत्र है उसमें ओवरबर्डन जो पृथक किया गया है उसको लाके भरा जाएगा और वो जमीन को रिक्लेम करके संभवतः उसमें फॉरेस्ट की जमीन होगी तो प्लांटेशन किया जाएगा। मुझे ये बताया गया था कि ऐसा काम किया गया है, लेकिन यहाँ आने पर अभी तक मेरे को कहीं ऐसा नहीं दिखा कि खदान जहाँ खोदा गया था उसको पार्ट के ट्रांसप्लांटेशन हुआ हो। खदान के शर्तों का ही अगर पालन नहीं हो रहा है तो कल कितने बातों का पालन होगा। इनका कहना है कि हमारी आजीविका वन से जुड़ी हुई है। सहदेव के जंगल को काटने के लिए ग्रामीण पीछे हटने को तैयार नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि जान चली जाएगी लेकिन जंगल कटने नहीं देंगे। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के पहुंचने और ग्रामीणों के इस विषय को लेकर मुख्यमंत्री से चर्चा करने की बात कहने से ग्रामीणों में एक उम्मीद जगी है। हमारे हसदो जंगल उजड़ जाने से कितना पीड़ा है ये हम समझते हैं, ये हमारे ऊपर है वो पीड़ा ना तो हम समझते हैं। जो कहते हैं परसा वाले उखड़े हैं तो उसको बासन में दिए हैं बसावट, आज जा करके देखे वहाँ पे कि कितना जने हैं वहाँ पे और कितना जने नहीं है। ये जंगल में हमको शुद्ध हवा मिल रहा है, शुद्ध पानी मिल रहा है, तो कैसे उजड़ने दें हम अपने हसदो जंगल को। और जो हम टीएस बाबा की बात कर रहे थे तो रायपुर में हमारे सामने ही वो एक लक्ष्मण रेखा पा रहे थे, इस लक्ष्मण रेखा से पार नहीं होनी चाहिए, तो आज कैसे उस लक्ष्मण रेखा से पार हो गए और रातों रात चोरी करके हमारे 300 पेड़ इधर क्या बोलते हैं साली जंगल और जरगा परगन से 300 पेड़ काटे हैं और इधर घाट बर्रा बासेन से 335 पेड़ काटे हैं। ऐसे कैसे पेड़ काट रहे हैं चोरी चोरी से, जबकि हम तो नहीं कटवाना चाहते हैं, हम यहाँ धरना पे बैठे हैं, हमारी पेड़ को नहीं काटने दे रहे हैं। जनता के पास एक ही विकल्प है, लड़ना, क्योंकि यहाँ की ग्राम सभाओं ने कभी कोई अनुमति नहीं दी है और वो डटे हुए हैं, आगे भी ये संघर्ष जारी रहेगा। सवाल इस बात का है कि ये जो लड़ाई आज हसदेव की लड़ाई वो सिर्फ हसदेव की नहीं है बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ की बन चुकी है, और कल विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हजारों की संख्या में लोगों की उपस्थिति ये बताता है। तो निश्चित तौर पे आज हसदेव नहीं पूरा छत्तीसगढ़ लड़ रहा है, और जब एक प्रदेश संघर्ष मुतल जाता है तो मान के चलिए कि हमसे कहना है और आज भी कहे हैं कि यदि आपका लड़ाई है गाँव को बचाने के लिए तो जरूर बचेगा, उसमें कोई जबरदस्ती नहीं होगा। और हम वही चाहते हैं कि भाई यहीं, लेकिन जो सरकार कह रही है उस पर दो मत है कि भाई हम तो ग्राम सभा में कह दिए कि हम नहीं देना चाहते हैं, लेकिन आप तो फर्जी तरीका से ग्राम सभा करवा लिए ना, उसका मतलब ये है कि भाई आप जांच भी नहीं किए। हम तो बोले कि आप जांच करो, आप गलत तरीका से भूमि अधिग्रहण कर रहे हैं, लेकिन उसका जांच नहीं हुआ है अभी तक।
पाएंगे आप लोग? हम लोग तो रोक पाएंगे, नेताओं का उनका क्या मानसिकता हो वो समझेंगे, लेकिन हम जरूर रोकेंगे। दो बार रात में पेड़ कटिंग हुआ, सुबह बंद हो गई, हम लोग जाकर के विरोध किए। उस दिन पूरे सरगुजा संभाग का 450 पुलिस बल पेड़ काटने के लिए लगाई गई थी, हम जाकर के रोके और पेड़ कटिंग को हम बंद करा दिए, सिर्फ 232 पेड़ों को काट दिए। तो सरकार कुछ भी करे हम तो रोकेंगे, क्योंकि हमारी जो आंदोलन है वो नैतिक है और पूरे हसदेव की इलाका को बचाने की है, पूरे पर्यावरण को बचाने की है, देश हित के लिए आंदोलन है, तो क्यों हम नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। बहरहाल सिंहदेव ग्रामीणों के बीच गोली खाने तक की बात कह डाले हैं। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री के बयान से ये साफ है कि कोल खनन होकर रहेगा। ऐसे में क्या स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ग्रामीणों के जंगल जमीन बचा पाएंगे या ये जंगल राजनीतिक द्वंद का शिकार हो जाएगा? अंबिकापुर से जयप्रकाश एक्का की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।